नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी, शाम 4 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में ये तय होगा कि आखिर सीएम चेहरा कौन होगा। विधायक दल की बैठक शुरू होगी, राजस्थान के नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा थोड़ी ही देर में। केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे जयपुर, तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी केंद्र नेतृत्व की तरफ से राजस्थान में आखिर किसे सीएम नियुक्त किया जाएगा ये तय होगा। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राजस्थान में इस बार बीजेपी ने 199 सीटों में से 115 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 69 सीटें आई थी। दीपिका, तो फिलहाल आपको बता दें आज सीएम के नाम पर मुहर लगेगी, किसे कमान सौंपी जाएगी देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा ट्रेंड को बदल दिया है, हम देखिए मध्य प्रदेश से जिक्र कर लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, जहां पर अलग तरीके से आगे बढ़ती नजर आई सीएम, तो राजस्थान में नए सीएम के ऐलान को लेकर हलचल तेज है। और इसी को लेकर हमारे तमाम संवाददाता दीपक कुमावत ने बीजेपी दफ्तर का जायजा लिया है, रुख करते हैं। पार्टी कार्यालय के बिल्कुल बाहर है इस वक्त, और राजस्थान को जिस लंबे समय से जिसका इंतजार था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो आज इंतजार खत्म होगा और अब राजस्थान का आज मुख्यमंत्री का चेहरा है वो सामने आ जाएगा। 9 दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वो इंतजार खत्म होगा। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बिल्कुल बाहर के दृश्य, यहां से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी उत्सुकता यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और लोगों के अंदर नजर आ रही है। दूर तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जमावड़ा शुरू हो गया है और चारों तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो पूरे सुरक्षा के लिहाज से भी चारों तरफ है बैरिकेटिंग वगैरह लगाकर और जो है पूरी तरीके से तैयार किया गया है। दूर तक जो है दोनों साइड से रोड को बंद किया गया है और उसके बाद में आज जो है पर्यवेक्षक राजस्थान के अंदर पहुंचने वाले हैं और 4 बजे विधायक दल की बैठक का जो है विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद में ये तय हो जाएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। और जाहिर सी बात है मेरे पीछे तक की तस्वीरें दूर तक दिखाना चाहूंगा, दोनों साइड से रोड को बंद कर दिया गया है, जहां तक नजरें जा रही है वहां तक जो है रोड को दोनों साइड से बंद कर और आज जो है विधायक दल की बैठक यहां पर शुरू होने वाली है और तकरीबन 12 बजे जो पर्यवेक्षक हैं वो राजस्थान पहुंच जाएंगे और उसके बाद में वहां से होटल ललित राजनाथ सिंह जाएंगे और उसके बाद में जो है 3 बजे तक जो है रजिस्ट्रेशन होंगे उन विधायकों के और उसके बाद में 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। एक बार इधर से भी मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा दोनों साइड के अंदर, यहां पर इस खंबे के ऊपर सीपी जोशी की तस्वीर लगाई गई है और दोनों साइड के अंदर एक साइड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी साइड के अंदर सीपी जोशी की तस्वीर लगाई है। बाहर बड़ा बोर्ड लगाया गया है जिसके अंदर सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, और नवनिर्वाचित विधायक दल बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मोदी सादे राजस्थान। तस्वीर साफ है और आज जो है चेहरा भी साफ हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। कयास लगाए जा रहे थे, नए नए लोगों के सामने नाम आ रहे थे, लेकिन आज वो सारे के सारे जो उन पर रोक लग जाएगी और जो मेन चेहरा रहने वाला है राजस्थान का सीएम का वो भी सामने हो जाएगा। विधायक दल की बैठक के बाद में 4 बजे ये फैसला होगा, विधायक दल की बैठक 4 बजे शुरू हो जाएगी और उसके बाद में तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच में विधायक दल की बैठक खत्म होगी और 7 बजे राजनाथ सिंह वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो उससे पहले तस्वीरें सारी साफ हो जाएगी, राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो जाएगा और किसके ऊपर मोड़ लगेगी ये भी जो उत्सुकता लोगों में थी जानने के लिए वो भी सारा सारा क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री कौन रहने वाला है। तो अभी ये तस्वीरें साफ कर रही है और साथ जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा के लिहाज से दोनों साइड से रोड को बंद कर दिया गया है, चाक चौबंद सारा का सारा है, पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है और उसके बाद में राजनाथ सिंह 12 बजे जो एयरपोर्ट पर, उससे बाद में होटल ललित और ललित के बाद में वहां पर 3 घंटे होटल ललित में ठहरेंगे, वहां पर मंथन होगा और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ओर पहुंचेंगे। और पहली दफा ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर जो है विधायक दल की बैठक हो रही है, ऐसा हुआ नहीं है। तो ये तो साफ हो गया है, तस्वीरें भी साफ हो गई है और आज जो है पता लग जाएगा कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन रहने वाला है। इधर दिखाना चाहूंगा कि दोनों साइड से बैरिकेटिंग लगाई गई है, दोनों साइड के अंदर एक साइड के अंदर मीडिया बंधुओं के लिए खड़े होने के लिए जगह करी है और दूसरे साइड के अंदर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग रोक के किसी प्रकार की भीड़ ना हो, किसी प्रकार की व्यवस्था के अंदर दखलअंदाजी ना हो, इसको लेकर सारी जो है तैयारियां कर ली गई है। वहीं 12:05 से 3:45 तक का समय जो है रिजर्व किया गया है, राजनाथ सिंह होटल ललित के अंदर वहां पर ठहरेंगे और उसके बाद में यहां पर आएंगे और उसके बाद में
फैसला होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, कयास सारे के सारे थम जाएंगे और उसके बाद में मोहर लग जाएगी उस नाम पर जिसके लिए राजस्थान की जनता के लिए जो चेहरा चुना गया है। मेरे सहयोगी सुनील शर्मा के साथ मदीप अकमावत, न्यूज इंडिया, जयपुर। किसका ऐलान किया जाएगा सीएम के तौर पर, कमान किसको दी जाएगी, कुछ ही देर का इंतजार है। सुनील सुशीला हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। सुनील जी देखिए, जिस जिस का नाम सामने आ रहा है रेस में वही अपने हाथ पीछे खींच रहा है, बहुत दिलचस्प है ये। इसीलिए बीजेपी को ट्रेंड सेटर्स कहते हैं कि वो अपना ट्रेंड अपने आप सेट करते हैं और जो ट्रेंड वो सेट करते हैं उसको लोग भी फॉलो करते हैं। जैसे जैसे जमाना बदल रहा है वैसे वैसे बीजेपी अपने आप इसी तरह से अपडेट कर रही है। यहाँ पर अब वो चीज नहीं है क्योंकि मोदी के नाम पर अगर चुनाव जीते हैं तो फिर मौका उन्हें दिया जाए जो कभी कहीं भी लिस्ट में नहीं है, और जो लोग लिस्ट में आ रहे हैं वो अपने आप धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं, जिससे कि वो ये मतलब ये भी दिखाना चाहते हैं हालांकि को कि हम नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर अगर नाम चल रहा है तो उसमें हम पीछे नहीं है, ये लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड सेट करना बताता है कि बीजेपी कितनी अनुशासित पार्टी है और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अनुशासित ढंग से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से ये हर राज्य को जीतते जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले तीन दिनों में तीनों राज्यों में इन्होंने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है और बिल्कुल चौंकाने वाले नाम दिए हैं, उसी प्रकार से आज भी राजस्थान में एक बहुत बड़ा सस्पेंस बरकरार है। सुनील देखिए, क्योंकि सस्पेंस बरकरार है और बीजेपी अपने इसी फॉर्मूले के लिए जानी जाती है, और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो आदिवासी चेहरा चुना गया, बात करें मध्य प्रदेश की तो ओबीसी चेहरा चुना गया, लेकिन यहाँ पर आखिर क्या होगा? क्योंकि अपने दमखम को दिखाने के लिए खुद वसुंधरा राजे सिंधिया विधायकों का समर्थन लेकर दिल्ली पहुंची, लेकिन उसे भी एक साइड कर दिया है बीजेपी ने, तो क्या ये समझा जाए यहाँ पर जनरल कैटेगरी से कोई हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, या यहाँ भी सेम फॉर्मूला ही नजर आएगा? देखिए, पिछले 5 साल से जो जनता परेशान थी पायलट की बाल हट से, अब बीजेपी नहीं चाहती कि वसुंधरा का राज हट चले, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई ऐसा चेहरा सामने आए जो काम करे, जो कि पूरे अच्छे ढंग से इनकी पसंद का हो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पसंद का हो, जो कि इनके सेक्शन पे उस तरीके से काम करे कि अगले 5 साल में कोई ये ना कह सके कि हमें अब रिवाज बदलना है। वो चाहते हैं कि इसके बाद उनका राज बरकरार रहे, इसलिए अगले 5 साल उन्हें पूरी मेहनत से करनी चाहिए, इसलिए वो एक नया चेहरा लेना चाहते हैं, सोचे नहीं। चलिए तस्वीर जरा आप देखिए, पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंच गए हैं राजनाथ सिंह। ये न्यूज इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है, देखिए किस तरीके से तस्वीरों के जरिए जिम्मा इन्हीं के कंधों पर। अब देखना ये होगा कि पर्यवेक्षक जाएंगे, विधायकों से मिलेंगे और विधायकों के मिलने के बाद वो नाम भी तय हो जाएगा। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, वो ठहरेंगे, शाम 4 बजे ये बैठक होगी। 3 पर्यवेक्षकों की टीम बनाई गई है और आज आखिर ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में सीएम कौन बनेगा। तो फिलहाल आपको बता दें, हाँ थोड़ा सा अपडेट है यहाँ पर पूजा। देखिए अभी जो इस वक्त देख रहे हैं ना आप तमाम, जिसमें हम देखें राजनाथ सिंह है, विनोद तावड़े हैं, सरोज पांडे भी, साफ तौर पर अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे है, कुछ ही देर बाद जो वक्त निर्धारित किया गया है वह जयपुर पहुंच जाएंगे, और ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं ना यही निर्धारित करेंगे, चूंकि यहाँ पर जब विधायक दल की बैठक होगी पहुंचेंगे वो तमाम नाम भी होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प क्या हो जाता है ना पूजा, वो ये है क्योंकि पहले कहा जाता था आला कमान के हाथों में ही तमाम चीजें होती थी, ये पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर हैं एक खत लेकर जाते थे, चाहे हम भैरव सिंह शेखावत की बात कर लें या वसुंधरा राजे की बात कर लें, आपने देखा होगा हमेशा से एक नाम वो सामने आता था। लेकिन अब जो परसेप्शन है, जो तरीका है, वो बीजेपी ने बदल दिया है। अब बीजेपी कहती है कि भाई हम सभी से बातचीत कर रहे हैं, आपके बीच के ही तो विधायक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दीपा देखिए, दीपिका ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी ने, वो पूरी तरह से बदल दिया है। देखिए पहले नाम जो लगातार सामने आ रहा था, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था, बालकनाथ योगी, उन्होंने कह दिया कि मैं सीएम बनने इच्छुक नहीं हूं और ना ही मैं बनना चाहता हूं। सीपी जोशी ने भी अब बयान दिया है कि वो भी नहीं बनना चाहते हैं। वसुंधरा राजे लगातार मेहनत कर रही है कि उन्हें बना दिया जाए। नाम न जाने कितने हैं अभी मैदान में और चर्चाएं न जाने कितनी हो रही, लेकिन सब एक एक कर साइड हो रहे हैं। दीपिका बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा जिस तरीके से हमने खबरों की शुरुआत की थी, तभी मैंने कहा था जिन जिन का नाम सामने आ रहा है ना पहले से ही वो अपना हाथ पीछे खींचे, क्यों ये पार्टी
कैडर है, यानी कि पार्टी चाहती है कि हम ये दिखाना, ये डिसिप्लिन दिखाना कि हम में अनुशासन कितना है। सुनील जी भी लगातार मेरे साथ मौजूद हैं, जरा सुनील जी से भी समझते हैं। सुनील जी, वाकई में जो अनुशासनात्मक छवि है बीजेपी की, इसी छवि को बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है, वो एक मैसेज कन्वे करना चाहती है कि भाई देखिए हम बाड़ेबंदी नहीं कर रहे, आप लॉबिंग नहीं चलती, जो यहाँ पर संगठन कह देता है वही होता है। सुनील जी, बीजेपी का बार बार हर बार दिया जाता है और इन तीन चुनाव में तो आप देख सकते हैं मतगणना हुई, मतगणना के बाद से सब जगह बहुमत मिला इनको, लेकिन उसके बाद भी कोई नाम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद इन्होंने पर्यवेक्षक बनाया, पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक करके, विधायकों से बात करके, उनका मन लेकर, उनसे चर्चा करके, उसके बाद वो उनका मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज यही है कि यहाँ पर अंतिम लाइन का जो व्यक्ति है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बस उसमें कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका अनुभव होना चाहिए, वो सब चीजें देना चाह रहे हैं। इसके साथ सोशल इंजीनियरिंग को भी बार बार अपना मैनेज कर रहे हैं, जिससे कि लोकसभा 2024 के चुनाव है उसे भी वो साथ है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें दीपिका, तो राजस्थान में ये जरूर खास हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने कल ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई कार्यकर्ता या कोई नेता मेहनत कर रहा है, लगातार बीजेपी के लिए लगा हुआ है, तो एक दिन उसका जरूर आएगा जब बीजेपी उसे मौका देगी। लेकिन आप आते के साथ ही मौके की तलाश करेंगे और आप सोचेंगे कि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो जमीन स्तर की भूल जाइए। हाँ, जमीन स्तर के जो नेता है ना, कौन जानता था, जो मध्य प्रदेश में यादव साहब चुने गए हैं तो क्या उन्हें कौन जानता था। लेकिन अब देखिए इसे कहते हैं दिलचस्पी, और कहीं ना कहीं ये जो परसेप्शन बनाया गया है ना वो हम कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम का ऐलान होने से पहले लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो लाडली बहनों के साथ मौजूद है। देखिए महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं, महिलाएं परेशान हैं। शिवराज सिंह चौहान ये नाम लगातार रेस में था दीपिका, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नाम नहीं लिया गया। लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे, लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई। और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार जिसको 48.55% वोट मिले अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है
कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया और इन वर्षों में मैंने मुझमें जितनी क्षमता थी, मुझमें जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझमें मैंने पूरी प्रमाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो इसमें अपने आप को झोंका। गड्ढों वाली सड़कों से शानदार हाईवे वाले सड़कों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया। अंधेरों के घेरों से निकाल के उजालों की नई दुनिया में हम मध्य प्रदेश को लेके आए। कृषि के क्षेत्र में चमत्कार हुआ है, आप सब जानते हैं, मैं नहीं विशेषज्ञ कहते हैं। 159 लाख मीट्रिक टन से उत्पादन बढ़ के 619 लाख मीट्रिक टन हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की चमत्कृत करने वाली है और वही मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का फिर बड़ा कारण बनी। 11,000 रुपया पर कैपिटा इनकम से हम 1,40,000 रुपया तक लेके आ पाए। 71,000 करोड़ की GSDP को हम बढ़ा के आज 14 लाख करोड़ के पार ले गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी हमारी 24% पहुंच गई। और सामान्य शब्दों में अगर मैं सोचता हूं तो भट्ट सुअर से हमारा सफर यहां शुरू हुआ था, उससे मेट्रो ट्रेन तक का सफर हमने तय किया। टपरे वाली ITI से हम ग्लोबल स्किल पार्क तक पहुंचे। मेडिकल कॉलेज नए हो या CM राइज स्कूल हो, टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना हो या सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नया दौर प्रारंभ करना हो जिसमें महाकाल महालोक से लेके देवी लोक और एकात्म धाम जैसे केंद्र स्थापित हुए, ये सारे काम मेरे मन को संतोष देते हैं और लगता है कि हम कुछ सार्थक कर पाए। लेकिन इसके साथ दो चीजों का उल्लेख मैं और करूंगा। एक, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं है, वो मेरी अंतरात्मा से निकला क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। बेटियां कोख में मारी जाती थी, उस पीड़ा ने जन्म दिया लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को। उसके पहले भी कुछ पत्रकार मित्र जानते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों की शादी करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो एक साधारण कार्यकर्ता को उठा के ले जाती है, मेरी कल्पना नहीं थी। लेकिन बनते ही लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% तक रिजर्वेशन को पहुंचाना हो या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क की कमी हो या फिर लाडली बहना जैसी और संबल जैसी योजना, वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सेक्स रेशियो में परिवर्तन आया, वो केवल कागजी नहीं रही। और जब 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू की थी बेगा भरिया सहरिया बहनों के लिए और जब पोषण का स्तर सुधरा तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी और उसके कारण भी बहनों की जिंदगी में जो परिवर्तन आए वो अद्भुत है। और दूसरा, आप देखेंगे खेती के क्षेत्र में केवल सिंचाई ने चमत्कार तो किया ही, लेकिन 0% ब्याज पे कर्जा देने से लेके बोनस जैसी अवधारणा
लाभकारी मूल्य देने के लिए हमने शुरू की और किसानों के लिए भी हम काफी काम कर पाए। गरीबों के लिए मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा लेकिन अनेकों कल्याणकारी योजनाएं और पिछला जो कार्यकाल अभी अभी जो गुजरा है ये तो कोविड के दौरान दो साल तो कोविड रहा, सवा साल ही हम ढंग से काम कर पाए। और कोविड में भी मैं एक चीज मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठरियां रख के, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। वो कठिन समय था, बसें लगाना और लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया। सीएम राज स्कूल में मानता हूं, अस्पताल में जन्म लिया इस योजना ने, जब मैं भर्ती था कोविड में खुद। तो कई तरह के काम ऐसे हैं जो हम कर देखिए शिवराज सिंह चौहान जो कि 16 बार सीएम रह चुके हैं और इसी के साथ यानी कि 16 वर्ष तक सीएम रह चुके हैं, इसी के साथ आज वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कल नए सीएम का ऐलान हो चुका है, शपथ ग्रहण होगा। इसी के साथ साथ देखा ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा पूजा कि यस मैन के तौर पर जो शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं, क्या वो जिम्मेदारी आगे संभालेंगे संगठन में? बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद महिलाएं इमोशनल होती नजर आई, अब देखना होगा कि आखिर क्या बड़ा दायित्व उन्हें सौंपा जाएगा बीजेपी की तरफ से। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।